टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि पाया तो महिला और पुरुष दोनों में ही जाता है, लेकिन महिला में इसे ना के बराबर देखा जाता है, लेकिन वहीं अगर पुरुष में ये बहुत ज्यादा कम है तो आपकी लो फर्टिलिटी रेट, टाइमिंग और आपके शरीर का स्टैमिना बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मेल है आज के टाइम पे फेस भी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लो टाइमिंग, स्टैमिना बहुत ज्यादा कम होना, शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी फील करना। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हो नेचुरली, और एक टैबलेट के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, तो जिसको भी टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वही इस वीडियो को आगे वॉच करें। अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों मेल में ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। जैसे कि ये तो नॉर्मल है कि आपकी उम्र बढ़ती है तो ये अपने आप कम होगा, लेकिन इसके अलावा आपके शरीर का मोटापा, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लोग रोज अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, या फिर आपकी बॉडी में किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में आयरन की कमी है, ऐसे कई सारी वजह है जिनकी वजह से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में आप कैसे अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं और अपनी बॉडी के स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के आपके कुछ 3 से 4 टिप्स हैं जो कि अपने लाइफस्टाइल और टाइम टेबल में आप ऐड करते हैं तो इससे काफी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और एंड में बात करूंगा एक ऐसी टैबलेट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं टिप्स की। तो दोस्तों सबसे पहली टिप्स है, आप अपनी सब्जियों में हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करिए। तो यहाँ पे फ्रेंड वैसे तो हर सब्जी अच्छी होती है, लेकिन पुरुष के लिए हरी और पत्तेदार सब्जियों में ज्यादा आहार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो कमी है बहुत जल्दी खत्म होती हुई देखने को मिलती है। और इसी के अलावा हरी सब्जियों में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत होती है, जिससे आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा बढ़ने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है। दूसरे टिप्स की बात करूं फ्रेंड्स, प्याज खाना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि आज के टाइम पे प्याज बहुत खाते हैं, चाहे वो खाने में हो किसी भी चीज में हो, दिन में 2 से 3 बार खाते हैं, क्योंकि प्याज के अंदर आपको ऐसे तत्व देखने को मिल जाएंगे जो कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। प्याज ना केवल खाने में काम आती है बल्कि इसके और भी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे कि आपने पॉपुलर सुना होगा जैसे हेयर ऑयल एंड हेयर शैम्पू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ओनियन काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इवन ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल स्रोत होते हैं जो कि आपको नेचुरल तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो प्याज भी आप खा सकते हैं इस चीज के लिए। अपने नेक्स्ट टिप्स के बारे में दोस्तों जाने, यहाँ पे अगर आप शहद को यूज नहीं करते हैं तो शहद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आपको कई ऐसे विटामिन मिल जाते हैं जिनसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद ले सकते हो, साथ साथ ही आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, जिससे आपके शरीर की ताकत और स्टेमिना भी बढ़ता है। तो शहद भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपनी बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए। अपनी लास्ट और आखिरी टिप है जिसके बारे में बताने वाला हूँ, और ये टिप आपकी बहुत हेल्प करेगी क्योंकि मैं बताने वाला हूँ बहुत पुराना ब्रांड है जो कि आयुर्वेदिक दवाई बनाने में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, अगर आपका मन है तो लेना और नहीं मन है तो मत लेना, यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं है। इस मार्केट में बेस्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें यूज करके आज के टाइम पे कई सारे लोग हैं जो कि अपने आप को काफी एक्टिव रख पाते हैं। उन्हीं में से दोस्तों आज मैं बात करूंगा बैद्यनाथ के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है बीटा एक्स फोर्ड। ये भरपूर है ऐसे कई आयुर्वेदिक से जो कि आपके वाइगर और आपकी टाइमिंग को बढ़ाने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको सारे वो आयुर्वेदिक चीजें मिलते हैं जो कि डेली लाइफ में तो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, लेकिन अगर आपकी स्टेमिना, बॉडी हेल्थ और आपके शरीर में कमजोरी देखने को मिल रही है तो उसके लिए भी काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये बैद्यनाथ का प्रोडक्ट है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो अगर आप कोई गलत ना ले लो इसलिए एक रिकमेंडेशन रहेगी मेरी तरफ से कि अगर आपको कोई ऐसा ही प्रोडक्ट लेना है जो कि आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीके से आपके स्टेमिना को बढ़ाए तो आप इसको पिक कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो टैबलेट है इसे आप दिन में 2 बार खा सकते हो, दूध के साथ अगर आप लोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके साथ, और यहाँ पे आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये टिप्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पिछले 3 टिप्स मैंने आपको बताया ये बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐड भी कर चुके हैं और उनको फायदा देखने को मिल भी रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये चीज़ नहीं अवेलेबल करा पाते, इवन आपके घरों में भी ये चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि प्याज, क्योंकि आज के टाइम पे कई सारे लोग हैं जो प्याज नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए ये टैबलेट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो ये गिनती की 4 ऐसे टिप्स हैं जिससे आप अपने शरीर की थकान
थकान और कमजोरी तो खत्म कर ही पाओगे, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फिजिकली एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। मैं आशा करता हूँ आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों कम होता है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है नेचुरली। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।